नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आनंद जोन। और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 सिक्योर मैसेजिंग ऐप के बारे में, जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह वर्क करता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैं इन ऐप्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले अपने प्राइवेसी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि अब आपका सारा डाटा, सारा पर्सनल डाटा मीन्स A to Z डाटा व्हाट्सएप के पास चला जाएगा। और अगर आप इन प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कुछ दिन के अंदर आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, मैसेजिंग ऐप के बारे में बात करने से पहले, आप में से जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहले ऐप के बारे में। तो सबसे पहला ऐप है सिग्नल ऐप। तो दोस्तों, ये ऐप 2014 में लॉन्च किया गया था और ये काफ़ी अच्छा ऐप है। इस ऐप में किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसमें वो सारे फीचर हैं जो कि व्हाट्सएप में है, जैसे कि वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, इंड टू इंड मैसेज इनक्रिप्शन फीचर। अब जो लोगों को इंड टू इंड मैसेज इनक्रिप्शन फीचर के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूँ कि इस फीचर के जरिए केवल मैसेज सेंडर और मैसेज रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकता है और कोई थर्ड पार्टी इसे नहीं तो पढ़ सकता है और ना ही इसे स्टोर कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे ऐप के बारे में, जो कि है टेलीग्राम ऐप। इस ऐप में भी वही सारे फीचर है मौजूद हैं जो कि व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप में दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी ऐप के बारे में, जो कि है वीबर। तो दोस्तों, इस ऐप में भी वो सारे फीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप में मौजूद है, और उसके ऊपर से एक और एडिशनल फीचर भी है जो कि हाइड चैट, मतलब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की चैट हाइड कर सकते हैं, ये फीचर भी इसमें मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 सिक्योर मैसेजिंग ऐप, और ये तीनों ऐप को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इन ऐप का रिव्यू भी कर दूँगा। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि व्हाट्सएप ने ये नई प्राइवेसी पॉलिसी को लाकर अच्छा किया या बुरा किया। और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि का हो भाई लोग, कोनो दिक्कत बा का, चैनलवा सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहल बारे, कोनो दिक्कत बा तो हमके बताओ, हम दूर करे के पूरा कोशिश करब, और कोनो दिक्कत नहीं बा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।